الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم मेरे मज़्ज़ मुसलमान बुज़ुर्गों अज़ीज़ भाइयों, ये सारी दुनिया इस इंसान के गिर्द घूमती है। इंसान भला और अच्छा है तो ये दुनिया भी अच्छी है। अस्पताल की इमारत कितनी अच्छी क्यों ना हो जाए, अंदर डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं है तो अस्पताल अच्छा नहीं कहलाता। घर की इमारत कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, अंदर के रहने वाले इंसान भले ना हो तो उसे कोई अच्छा घर नहीं कहता। इस तमाम तर दुनिया की खूबसूरती और हुस्न और इसकी राहत और सुकून और इसकी तामीर और तरक्की सब इंसान से वाबस्ता। चीज़ें कितनी अच्छी क्यों ना हो जाएं, इंसान अच्छा ना हो तो उन चीज़ों से तखरीब तो हो सकती है, तामीर नहीं हुआ करती। तमाम तर जिंदगी का हुसन खूबसूरती तामीर तरक्की इंसान से वाबस्ता है। इतनी भूल हो गई आज दुनिया को, इतनी भूल हो गई कि हर चीज की तरफ तवज्जो है, अगर किसी को नजरअंदाज किया है तो इसे इंसान को किया है। सवारी पे तवज्जो हुई तो कहां पहुंच गई, पुर्जों पे तवज्जो हुई तो क्या नक्शे बन गए, कागज लकड़ी पत्थर पर तवज्जो और मेहनत हुई तो क्या नक्शे बन गए। इंसान नजरअंदाज हुआ, ये बेकीमत हो गया, ये बेकीमत हो गया। शायद जो चीज़ें आज दुनिया में इंसान की राहत व आराम और तारीम और तरक्की की थी, एक सदी पहले इंसान ने इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। इंसान ने अपनी मेहनत से वो कुछ बना डाला, लेकिन इंसान पे तवज्जो न हुई तो ये सारे नक्शे इंसान को राहत और सुकून न दे सके। जिंदगी की खूबसूरती जिंदगी की तामीर ना कर सके। कोई कहता है इंसान ने तरक्की की है, ये उसी धोखे का नतीजा है। कागज ने तरक्की की है मियाँ, लोहे ने तरक्की की है, पत्थर ने तरक्की की है, लकड़ी ने तरक्की की है, प्लास्टिक ने तरक्की की है, चीज़ों ने तरक्की की है, इंसान कहाँ तरक्की कर रहा है। इसे तो मिल के देखो ना, सफ़र करके देखो, इसके साथ उठ बैठ के देखो, जिंदगी गुजार के देखो, इंसान दुनिया में कहाँ तरक्की कर रहा है। पैगंबर
जिनके पास अल्लाह का इल्म होता है, और वो दुनिया में तामीर और तरक्की, जिंदगी की तरक्की, दुनिया की तामीर के लिए तशरीफ लाते हैं, जो सरापा इंसानियत के लिए रहमत हुआ करते हैं, वो जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो अपनी तमाम तर मेहनत का मैदान इंसान को बनाते हैं, इंसान अच्छा हो जाए। इसलिए कि कच्चे घर में रहने वाले इंसान अच्छे हों तो वो कच्चा घर भी घर होता है, और महल नुमा घर में इंसान इंसान न रहे तो वो भी उजड़े उजड़े से लगते हैं। इमारतें, नक्शे, जिंदगी की राहत और आराम के नक्शे, इंसान अच्छा ना हो तो वहां इंसान को सुकून नहीं मिलता। तो पैगंबर जिनके पास अल्लाह का इल्म होता है, वो जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं जिंदगी की तरक्की और तामीर के लिए और इंसानियत के लिए रहमत बन के आते हैं, तो अपनी सारी तवज्जो इंसान को संवारने में लगाते हैं, ये इंसान अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला ने तो इस दुनिया में इंसान के आने से पहले ही इसमें इतनी ज़रूरियात उसकी रख दी, और इतने वाफिर मकदार में रख दी, और इतनी फयाजी के साथ रख दी कि जो चीज़ें इसे सालह साल के बाद ज़रूरत थी, इसके पैदा होने से पहले इस दुनिया को उससे भर दिया। शोबे कैसे चलाने हैं, इदारे कैसे चलाने हैं, नक्शे कैसे बनाने हैं, सब इसके दिलो दिमाग में उसकी वदियत फरमा दी, इसके अंदर रख दी। और जमीन, आसमान, पहाड़, समुंदर, खजाने भर दिए इसके आने से पहले, ऐसी फयाजी दिखाई। को ये कह दे कि दुनिया मेरे लिए मुश्किल हो गई, ना ना, इंसानों ने मुश्किल बना दिया। एक पैगंबर की बेटी है, बूढ़े बाप था, बकरियां रखी हुई थी, बाप घर से बाहर जा नहीं सकते थे, बेटियां बकरियों को लेके जाती बाहर कुएं से पानी पिलाने के लिए। घर में किसी अच्छे इंसान की जरूरत थी, घर में किसी अच्छे इंसान की जरूरत थी जो मुलाजिम भी हो, काम भी करे, इंसान अच्छा हो। बकरियां लेकर गई तो एक शख्स आए, क्या देखते हैं कि लोग अपने रेवड़ को पानी पिला रही और एक बच्चियां दूर किनारे पे खड़ी हुई अपने रेवड़ के साथ। समझ गई बच्चियां बाहया है, मर्दों से अलहदा है। पूछ लिया, क्या ये मर्द फारिग हो जाएंगे, हम अपनी जरूरत पूरी कर लेंगे। करीब में एक कुआं था, उस पर चट्टान पड़ी हुई थी, उन्होंने वो चट्टान हटाई और इन बच्चियों को वहां से, बकरियों को पानी पिला के घर भेज दिया। अब ये बच्चियां आज जल्दी घर पहुंच गई। वालिद पैगंबर थे शुएब अलैहिस्सलाम, पूछा आज जल्दी आ गई। कहने लगी अब्बा जान, घर में अगर किसी को रखना है तो इन्हें रख ले, इनमें दो खूबियां हैं, दो खूबियां हैं, और सच यह है कि ये दो खूबियां ऐसी हैं अगर किसी इंसान में पैदा हो जाएं तो वो कभी बेरोजगार नहीं रह सकता। अगर किसी इंसान में ये पैदा हो जाएं तो दुनिया कभी उसकी नकदरी नहीं करती,
वो अपनी दुनिया खुद बना लेता है। अगर किसी मौके पे दुनिया उसको भूल भी जाए, वो कहीं भी बैठेगा अपनी दुनिया बना देगा। ये दो खूबियां ऐसी हैं, और ये दो खूबियां हो तो कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है। पूछा, बेटी क्या खूबियां हैं? कहने लगी, قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين। अबा जान, अगर आपने रखना ही है तो इनमें ये दोनों खूबियां हैं, अहलियत भी मौजूद है, दयानत भी मौजूद है। अब बताइए, अहलियत भी हो, दयानत भी हो, तो ये इंसान हीरा नहीं है? कौन इसे जाया करेगा? और किसी की नजरों से अगर चूक भी जाए, मैं अर्ज कर रहा हूं, ये अपनी दुनिया खुद बना लेगा। अहलियत, दयानत, लेकिन दुनिया ये सबक भूल गई है। ये सबक भूल गई है कि दुनिया की सिर्फ चीजें काफी नहीं, इंसान भी होना चाहिए। सिर्फ चीजों के अंदर तरक्की कर लेने से दुनिया नहीं तरक्की होनी, इसने इंसानों को राहत नहीं देनी, इंसान को भी कुछ अहल बनाना है। और सिर्फ अहल नहीं, अगर अहलियत हो और आपने उसे हुनर सिखा दिया लेकिन उसकी अंदर की हवस खत्म नहीं की, बददियानती और खयानत नहीं खत्म की, हुनर जानता है, वो आपका बाहर गाड़ी का शीशा तोड़ेगा, डेक निकालेगा, और बहुत हुनर के साथ निकालेगा, तेजी के साथ। हुनर तो आता है, हो सकता है वो कहीं हुनर का काम भी करता हो। अहलियत तो है, हुनर तो है, कमा सकता है हलाल, लेकिन इंसान नहीं बनाया ना। डिग्रियां हैं, बाहर की दुनिया से पढ़ के आया है, अहलियत पैदा की है इदारे चलाने की, लेकिन इंसान अच्छा नहीं बनाया। ऐसी करप्शन करता है, निशान भी नहीं छोड़ता, इतना लूटता है, अवार्ड भी लेता है, इंसान नहीं बनाया, इंसान नहीं बनाया। लूटने का फन आ गया उसे, पढ़ा लिखा है ना, गुर्दे बेचता है, लोगों की सेहत बेचता है, लोगों की जिंदगियां बेचता है, फन आ गया, इंसान नहीं बनाया। दुनिया में आज जो नायाब जिंस है वो अच्छे इंसान की है। ये हो जाए दुनिया तरक्की भी कर, इंसानों की दुनिया तरक्की करेगी, हैवानों की नहीं। लोग कहते हैं दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है, हैवानों की दुनिया कर रही होगी, जानवरों की कर रही होगी, इंसानों की दुनिया तो तभी तरक्की करेगी जब इंसान इंसान बनेगा। पैगंबर इंसानों को इंसान बनाने के लिए तशरीफ लाया करते थे, उनकी सारी तालीमात इसके गिर्द घूमती है कि इंसान अच्छा हो जाए। अगर इंसान अच्छा हो जाएगा, मामूली सामान वसाइल से भी जिंदगी अच्छी बना लेगा, खाम माल से भी जिंदगी की तामीर खड़ी कर देगा। और इंसान बिगड़ा हुआ हो, चीजें अच्छी हो, तखरीब के लिए इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आज दुनिया पैगंबरों के नूर से महरूम है, पैगंबरों की जिंदगी से महरूम है, पैगंबरों की तालीमात से खाली है, गलत रुख पे चल पड़ी है, चीजें अच्छी हो जाए। बदकिस्मती से जिन तालीमी इदारों में इंसान बना करते थे वहां अब इसका कोई गुजर ही नहीं है। तालीम का निसाब, तालीम का निजाम, तालीम का इदारा कि तो इंसान बनाने के लिए होता था, वहां तो हवस बढ़ाई जाती है मियां, वहां तो हवस बढ़ाई जाती है, वहां तो विजन ये दिया जाता है कि मियां एक दूसरे से कैसे आगे बढ़ना है, किसमें, स्टेटस में, पैसे में, दौलत में,
इंसान अच्छा बन जाए तो अपने वालिद से कहने लगी, अब्बा जान किसी को मातहत रखना है। अगर देवेवर अपने फन में भी माहिर हो जिस काम के लिए उसे रखा है और हो भी दयानतदार, और अगर वो आपके घर से चला भी जाए तो आप कहेंगे भाई जब भी कराची में आना तो पहले हमारे यहां आना। क्यों भाई? अहलियत भी है, दयानत भी है, मामूली से आदमी है, चौकीदार है, अहलियत भी है, अपनी जिम्मेदारी भी सही तौर पे अंजाम देता है, दयानतदार भी है। किसी जरूरत से वो गांव चला गया, आप कहेंगे मियां जब भी कराची में आओ तो पहले मेरे पास आना। अच्छे इंसान के लिए कोई बेरोजगारी नहीं, अहलियत हो, दयानतदार हो, इसकी तो हर जगह कीमत है। अब तो अहलियत भी नहीं, दयानत भी नहीं, न दयानत रही है न हमारे यहां अहलियत पैदा की जाती है। फिर शिकायत है कि कुछ मिलता नहीं है। वरना अगर इन दो खूबियों के साथ कोई जिंदगी गुजारे वो अपनी जिंदगी की खुद तामीर कर लेगा। ये खूबियां ऐसी है। लेकिन ये रोशनी, ये अकल और दानिश पैगंबर की तारीम से मिलती है। भाई इंसान बना लो, इंसान अच्छा कर लो, इंसानों पे मेहनत करो भाई, इस पे भी तो तवज्जो दो। आज दुनिया के नक्शों पे तवज्जो दी, हर चीज में बेहतरी और तरक्की नजर आती है, लेकिन क्या इंसान की जिंदगी उससे अच्छी हो गई है? इतनी खुदकुशियां दुनिया में, इतना कत्लो गारत, इतने लूटमार, सारे जाब्ते, सारे कानून, सारी तरक्की, सारे कैमरे, सारी हिफाजत की शक्लें, दुनिया फसाद ज्यादा। इंसान बना देना, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु सफर में है, एक मजदूर बकरियों का रेवड़ चला रहा है। उसे कहा मुझे दूध चाहिए, मुसाफिर हूं। उसने पहचाना नहीं, कहने लगा ये बकरियां मालिक की हैं, उसकी इजाजत नहीं। हजरत ने इम्तिहान लिया, फरमा मालिक कहां देख रहा है, तो मुझे बकरी ही बेच दो, कह देना भेड़िया खा ली गई, जंगल में भेड़िया खाई जाती है, तुम बकरी ही बेच दो। वो कहने लगे हाँ बकरियों का मालिक तो नहीं देख रहा, दुनिया का खालिक और मालिक तो देख रहा है, जंगल है, मालिक की नजर नहीं, कानून की रसाई नहीं, ये जो दयानत है ना भाई, ये इंसानों को राहत दिया करते थे, इससे इंसानियत को राहत मिला करती थी। कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है, उस जात की तो नजर है। दयानत, और आज इस बेदयानती ने हर आदमी का एतमाद खत्म कर दिया, किसी पे एतमाद रहा ही नहीं। अब इस एतमाद को खत्म होने का नतीजा क्या है? उस पर एक और निगरान, उस पर एक और निगरान, उसके ऊपर एक और निगरान, लेकिन चोरी फिर भी खत्म नहीं हुई, खयानत फिर भी खत्म ना हुई। पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती दुनिया को, इतनी मोटी बात इंसान बना लेते ना, इतने अखराजात भी ना रहते। इसलिए इस्लामी जिंदगी, इस्लामी तहजीब, इंसानी जिसे कहें कि अफराद को
इदारे में अफराद रखने की जो इस्लामी लॉजिक है या वो दानिश है वो ये है कि थोड़े अफराद रखो, अफराद ज़्यादा ना रखो, लेकिन जो थोड़े रखो अहल रखो और ज्यादादार रखो। दुनिया में क्या है, अफराद बढ़ा दो, खर्चे बढ़ा दो, एक के ऊपर और रखते चले जाओ। इस्लाम का सबक क्या है, थोड़े लोग रखो, मेहनती रखो, लेकिन दयानादार रखो, दयानादार रखो। नहीं मिलते, अहलियत भी दयानत भी ढूंढने से मिलते हैं। इदारे इससे चलते हैं, दुनिया इससे संवरती है, शोबे इससे आगे बढ़ते हैं, इंसान अच्छे हो जाए। या अब अतिस्ताजर इन खैर मन इस्ताजर तल कवीयुल अमीन। अब्बा जान घर में आदमी रखना है, जहरे घर में सब चीजें मौजूद हैं, जिस काम के लिए हम रख रहे हैं उसके अंदर उसकी अहलियत भी हो। ये नहीं कि आदमी तो बहुत अच्छा है, गाड़ी चलाना ही नहीं आती, आदमी तो बहुत अच्छा है लेकिन अपनी चौकीदारी की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, फिर किस काम का। जिस काम के लिए आप रखना चाह रहे हैं अब्बा जान उसकी सलाहियत भी है और साथ साथ दयानतदार भी है, इसने हमारी तरफ नजरें उठा के नहीं देखी। सुभानअल्लाह, हम जब इसे बुलाने के लिए गए और जब इसने हमारे लिए चट्टान कुएं से हटाई और जब ये हमारी जरूरत पूरी कर रहा था, इसने हमारी तरफ नजरें उठा के नहीं देखी। बड़ा दयानतदार है, अल्लाह का खौफ रखता, खौफ खुदा है। ये इंसान का कमाल था। तो मेरे अजीजों, पैगंबरों की जिंदगी ये है कि अगर इस दुनिया में तामीर करनी है, तरक्की करनी है, तो इंसान को तवज्जो दो, उसे अच्छा इंसान बनाओ, उसकी तरबियत करो, उसके अंदर इंसानियत को हरा भरा करो। निरी चीजें अच्छी कर ली, इंसान भला ना हुआ, तो चीजों की तरक्की हुई, इंसानियत की तरक्की कोई नहीं हुई। और चीजों की तरक्की से इंसानों को सुकून नहीं मिला करता, वो सुकून के नक्शे हुआ करते हैं, सुकून नहीं हुआ करता। वो राहत की चीजें हुआ करती हैं, इंसानों को राहत नहीं मिला करती, वो तो अच्छे इंसान से बना करते। ये सबक है कि इंसान भला हो जाए और अपने अंदर अगर ये खूबियां मेरे अंदर पैदा हो जाए तो मैं अपनी जिंदगी अच्छी कर सकूं। अहलियत दयानत, अल्लाह ताला हमें ईमान वाली जिंदगी और ये सिफात नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल